अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है परवेशा बशीर एंड आई एम द नेशनल बैडमिंटन चैम्पियन ऑफ पाकिस्तान। जहाँ तक बात होती है मेरी फेवरेट टीम की इन अभी PSL मैचेस में, सो इट्स नन अदर देन क्वेटा ग्लैडिएटर्स। लेकिन इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि जीत एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान क्रिकेट की है, जिन्होंने इस पैंडमिक के हालात में, इतने मुश्किल हालात में इतना बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है। सो आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट एवरीबडी, ऑल द फ्रेंचाइज ओनर्स एंड ऑल्सो द प्लेयर्स, और जो कि मैनेजमेंट है, क्रिकेट मैनेजमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट की। सो मैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ जिन्होंने इतने मुश्किल हालात में बाहर के फॉरेन प्लेयर्स को भी बुलाया, SOPs को फॉलो करते हुए बहुत सारी प्रॉब्लम्स का उन्होंने अच्छी तरह सामना किया। सो आई रियली होप एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट, एंड एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस टीम्स की देखने को मिल रही है। एंड आई एम अ क्रिकेट फैन माई सेल्फ, आई हैव प्लेड अ लॉट ऑफ क्रिकेट इन माई जूनियर ईयर्स, सो डेफिनेटली मैं बहुत इंजॉय करती हूँ ऐसे मैचेस। बट अगेन, अगर हम अपनी मेरी फेवरेट टीम की बात करते हैं, सो इट्स क्वेटा ग्लैडिएटर्स, बिकॉज उनमें बहुत ज़्यादा लेजेंडरी प्लेयर्स हैं, बहुत ज़्यादा लेजेंड्स हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, उसमें क्रिस गेल हैं जो कि एक बहुत बड़ा नाम है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर है बेन कटिंग, वो भी इस टीम का हिस्सा है। और अगर हम लोकल प्लेयर्स की बात करते हैं तो उसमें सरफराज अहमद हैं जो कि एक, मैं समझती हूँ, एक लेजेंड हैं। उनकी कैप्टनसी जो कि तीनों फॉर्मेट की कैप्टन रह चुके हैं, सो और उन्होंने अपनी कैप्टनसी के अंडर बहुत पाकिस्तान को मैचेस भी जितवाए हैं। सो मैं समझती हूँ कि वो इंशाल्लाह बहुत बेनिफिशियल साबित होंगे क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए। और यंग टैलेंट की अगर हम बात करते हैं तो आज़म खान भी हैं, जो कि अब उनके स्ट्रोक्स, उनके जिस तरीके से बैटिंग है, सो आई रियली थिंक कि वो एक बहुत बड़ा एसेट है इस वक्त क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए। वंस अगेन आई विश ऑल द टीम्स ऑल द वेरी बेस्ट, मे द बेस्ट टीम विन। थैंक यू।